नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में शराब बंदी लागू है। ये अलग बात है कि शराब पीने से लोग बेमौत मर रहे हैं। ताजा मामला गया के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र चरोखरी पंचायत के सिमराटाड़ गाँव की है, जहाँ एक व्यक्ति की शराब पीने से मौत हो गयी है। मृतक की पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र के तुलसीडी गांव के रहने वाला राम वृक्ष यादव उर्फ सिपाही के रूप में की गई है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार एक आपसी विवाद के निपटारे के लिए तुलसीडी गांव के कुछ लोग सिमराटाड़ गांव आए थे, जहां पंचायती में दोनों पक्षों के ऊपर लगाई गई 200 रुपया की जुर्माने की राशि से शराब मंगाई गयी थी। मृतक के साथ में रहे बोधल यादव ने बताया कि सभी मिलकर शराब पी रहे थे, तभी राम वृक्ष यादव गिरकर बेहोश हो गए और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा फतेहपुर थाने को सूचना दिया गया। वहीं मृतक के भाई कैलू यादव ने बताया कि मेरे भाई की मौत संदेहास्पद है। फतेहपुर थाने की पुलिस ने शव को मृतक के घर पर पहुंचकर अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए गया भेज दिया है। फतेहपुर थाना अध्यक्ष कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। देखें इस रिपोर्ट को। कहाँ के हैं उन लोग चारों? उन लोग चारों का घर जो साथ है पी रहा था वो सीमा टाड़ के है। इस गाँव हमारी है और यहाँ उनके गांव के कितने लोग थे साथ में? 6 और 4 सीमा टाड़ के। तो आप लोग सब साथ वहाँ पी रहे थे? जिस समय घटना हुआ या जिस समय उनका मौत हुआ उस समय कौन कौन लोग थे वहाँ पे? आप नहीं थे? आप थे उस समय चाचा? क्या देखे थे उस समय? क्या हुआ था? कुछ नहीं, उसको देखिए दारू पिया, सुन लीजिए छोड़ा रघुवासी छोड़ा गए दारू पीने की अच्छी कर रहे थे। पैसा हम दो, सुन ली पैसा हम दो, हम दारू खरीद कुछ पी रही भाई। थोड़ा 3 मग दारू पी गए भाई, झूठ कौन बोलेगा? सही मरा हुआ है तो का झूठ बोला। हाँ हम दही एक गिलास रघुमा से बोल कर दही हमें हम दे रहे ऐसी पीए नहीं, हम दारू पीबो ही नहीं। क्यों कखनी हाली तो दारू दुकान में दही भी मिला है? दारू दुकान में दही? हाँ हाँ उन्हें बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तो वही एक गिलास हम दारू पी जाए नौकरी बैंक के रुआ नियम नहीं होगा। छोपा बढ़िया, छोपा बढ़िया समझे, छोपा बढ़िया वहाँ नहीं है और सिपाहियों तो ही घास घास कर यो खाती है। ये भी खाया था सोन पापड़ी और दही है? दही भी पिया था? नहीं खाली सोन पापड़ी खाया था। तो मांगते रह गए और नहीं जलते। अच्छा नहीं दिए थे? नहीं जलते। अच्छा एक बात बताइए चाचा, वो दारू आप लोग कहाँ पी रहे थे, किनके घर में? किसके? मुंशी मांझी के सिमराटाड़। तो आप लोग सारे लोग एक साथ बैठ के पिए थे? एकदम टोटल यह दारू चलाया, बल्कि हम देखो दारू जब पीने जाता है सुन लो काम बहुत काम लेता है। हमको शॉर्ट में बताइए कि इनके साथ हुआ क्या था, आप क्या देखे, मैंने कैसे मर गया ये आदमी? कैसे मर गया मानो उसको क्या काल आया, खटिया पर सब कोई बैठा हुआ सुन ले ठीक है, मुंह से पानी आ गया हम जा रहे एकदम काय वैसे कर रहे भैया काय वैसे कर रहे तो अब पैसा भी कर दी। उस समय मानो देखो एकदम उसके बाद वो गिर गया और बेहोश हो गया। नाम क्या था जो साथ में था आपके? के आपके साथ में आप जो हमारा जगह था? हाँ सब देखिए कैला है और चंद्रा है, सचिंदा है और दुनिया भर तो आज सुबह की घटना है। कितना बजे गए थे आप लोग? करीब करीब 7 बजे। चलिए ठीक। नाम क्या हुआ आपका? चंद्रमा। हमको चंद्रमा जी नाम। आप भी घटनास्थल के समय थे उस समय? हम लोग दोनों आदमी, एक आदमी और है। क्या देखे थे आप? देख रहे थे मास्क से दारू उठा के पी गया।
पूरा? हाँ पूरा दारू पी गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसे हुआ सो इसी रह गया। और गिरा और हाँ हम लोग सब 10 आदमी हम लोग पिए, 10 आदमी साथ में, ऐसा बात नहीं, सबको जानी। तो आप लोग मतलब लिमिट में पी रहे थे, पूरा जग उठा करके पी गया वो? अपने छीन के पी गया, माई बहन के रो किया हम लोग के, मुझे चाचा था साथ में, चाचा साथ में है। उसके बाद आप लोग मतलब उसको डॉक्टर के पास ले गए थे? फोन तुरंत फोन करने लगे, जैसे उसको मुंह से निकला ना दारू, तो हम फोन करने लगे घर पर, फोन किए डॉक्टर के पास, फोन नहीं किए। हम कहे देखिए पीने को बहुत ज्यादा नशा हो गया, इनके परिवार को सूचना दी? हाँ सूचना दी कि सबसे पहले परिवार आना चाहिए बस। ठीक है चलिए। आपका नाम क्या हुआ? क्या हमरा? हाँ और आपका सर? लखन यादव।